हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक इलेक्शन 2019 के बारे में, जहां पर अभी आपको बताएंगे कर्नाटक उपचुनाव का फाइनल एग्जिट पोल, और साथ ही बताएंगे कि कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार यहां पर फिर से उपचुनाव में बनाएगा। तो अभी हम आपको संपूर्ण जानकारी कर्नाटक एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे, जिससे ये आपको पता चलेगा कि कर्नाटक में अब की बार किसका राज होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको आगे भी हर एक जानकारी ऐसी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कर्नाटक के वाइस इलेक्शन के बारे में और इसके फाइनल एग्जिट पोल के बारे में। तो कर्नाटक की 15 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, और इन 15 सीटों पर काफी महत्वपूर्ण यहां पर मतदान देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर भारी बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका एग्जिट पोल ने बताई है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार अब की बार यहां की 15 में से मात्र और मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से अपना सुपड़ा साफ करवा लेगी कर्नाटक अब की बार। और वहीं इसके अलावा कांग्रेस दल को यहां पर अब की बार यहां की 8 सीटें मिल जाएगी, और कांग्रेस पूरी तरह से अपनी लार चलाएगा। और वहीं इसके अलावा जेडीएस को यहां की 4 सीटें मिलेगी, और जनता दल भी यहां पर पूर्ण रूप से अपना दबदबा दिखाएगा भाजपा के सामने, और कुल मिलाकर भाजपा का सुपड़ा साफ होगा कर्नाटक में अब की बार 15 सीटों पर। और वहीं इसी के साथ ही बात करते हैं कर्नाटक में वोट शेयर की। तो वोट शेयर मात्र और मात्र 17% के आसपास चला जा चुका है यहां पर भाजपा का, तो वहीं कांग्रेस का 39% के पास आ चुका है वोट शेयर, और इसके अलावा जनता दल का लगभग 22% के पास वोट शेयर आ चुका है। और इसी के साथ ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन रही है अब की बार कर्नाटक में, और इसी के साथ ही कर्नाटक के उपचुनाव में अब की बार पूरी तरह से दबदबा दिखा रही है कांग्रेस दल, और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी 15 सीटों को जीत भी रहा है पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी थी कर्नाटक के वाइस इलेक्शन की और इसके फाइनल एग्जिट पोल की, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी अब की बार कांग्रेस लहर, और कांग्रेस की पूरी तरह से कर्नाटक में पूरी तरह से प्रचंड लहर देखने को मिलेगी, ये एग्जिट पोल की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं। और तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर भाजपा की बार रहेगी कर्नाटक के वाइस इलेक्शन में। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी थी कर्नाटक के उपचुनाव 2019 की। तो यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम।